चले चलो दादी को बाय कर दो जल्दी से, यहाँ पे अपने रूम में। दीपू बिना हैट के जा रहे थे, मायरा ने एकदम से बोला डैडा हैट का है। मायरा बिना ऐसे भाग के गए, देखो कैसे भाग के गए थे आप हैट लेने। एक बार शॉप पे पहुंच गए थे अब बिना हैट के। कहाँ थे आप, कह रही है वो आपको बाय करने आई थी। बाय। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे सेल्फी व्लॉग्स। आज मुझे जल्दी 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 सब कुछ वाइंड अप करना है, बिकॉज लाजपत नगर भी निकलना पड़ेगा शायद हमें, क्योंकि मायरा का स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेना है, मुझे फुल स्लीव का लेना है, वो वाला ना है, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, ठंड भी नहीं लगी उसमें, बिकॉज एक डेढ़ घंटा ऑलमोस्ट रहना है पानी में, तो फुल स्लीव का लूंगी। कैप लेनी है उसकी, स्विमिंग कैप, आर्म्स के ट्यूब लेनी है और सनग्लासेस लेने हैं, तो लाजपत नगर निकलना पड़ेगा। बिकॉज यार चंदू की शॉप पर मैंने सुबह फ़ोन करा तो उनके पास अवेलेबल नहीं है फुल स्लीव का, तो प्रिंसेस की मम्मा भी जाएंगी और मैं भी जाऊंगी, हम लोग अलग अलग जाएंगे बिकॉज टाइम हमारा दोनों का सेट नहीं बैठ रहा। वो 2:30 बजे जाएंगे। मुझे एक शॉर्ट भी बनाना था, यूट्यूब शॉर्ट दो बनाने थे एक्चुअली, और ये देखो यूट्यूब शॉर्ट में ही मेरा कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो मैंने अभी भी फेस पे लगाया और ना वो कोई फाउंडेशन है, उसके लिए आप यूट्यूब शॉर्ट देख लेना, इस वाले व्लॉग से तो पहले आ ही जाएगा। और अब चलो चलते हैं मायरा को लेने। सुबह का हाल इससे भी बेकार होता है, पीछे भी देख लो बेटे ट्रैफिक है ना, डाटा क्लियर करवाने गए हैं अब। चलो 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 जल्दी चलो बेटे, हम टॉयज लेने नहीं आए, हम आपकी स्विमिंग ड्रेस बच्चे की फुल स्लीव की। लो क्या चूज कर रही है, एक बार देख लो आर्ट कैसे खेल, कुछ और दिखा दो। ठीक है वो पसंद करती है, खेल ही नहीं पाएगी, क्यों नहीं खेलेगी, आप भी खेलो मजा आएगा। अभी धुकी हुई, ऊपर से पैदल चलना पड़ेगा, यहाँ 2-3 शॉप पे गई, कहीं पे कुछ नहीं मिला, फिर मैंने मायरा भी लेट हो रही थी, उसको खाना था, नहाना था, सोना था टाइम से, फिर शाम को ट्यूशन क्लास होती है, तो मैंने इन लोगों को बोल दिया आप लोग चले जाओ मैं लेती हूँ, अभी सिर्फ मुझे सनग्लासेस मिले हैं यहाँ से, हो गए भैया बता दो। तो लंच भी मेरा हो गया, अब लंच के बाद की मुझे दवाई खानी, ये मैडम सो रही हैं, लंच के बाद की मुझे एक खाली पेट खानी होती है और एक फुल पेट, फिर रात को दवाइयाँ चल रही है मेरी, वो खा लेती हूँ और फिर बस थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर मायरा को मम्मी के रूम में शिफ्ट करते हैं या तो ड्राइंग रूम में लेटा दे, बिकॉज मम्मी के रूम में जोराज सो रहा है, जोराज को भी फीवर है, जसमीत के रूम में जसमीत लेटी है उसको फीवर कोल्ड सब कुछ है, अभी मैं बहुत दिमाग खराब हो रहा है कि मायरा को कहाँ पर लेटाऊँ, ये देखती हूँ शायद ड्राइंग रूम में, क्योंकि मम्मी के रूम में अगर मायरा भी लेटेगी और दोनों ही बच्चों में से किसी ने भी एक दूसरे को डिस्टर्ब करा तो दोनों की नींद खराब होगी, मतलब मायरा उठी तो जोराज की नींद खराब होगी, जोराज उठा तो मायरा की नींद खराब होगी, इसलिए दोनों को साथ में लिटाने में भी डर लग रहा है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ अमेजोन के कुछ प्रोडक्ट शेयर करूंगी और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स होने वाले हैं सारे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेजोन पे स्टार्ट होने वाली सेल जो की रहेगी अमेजोन समर सेल, किक स्टार्टर डील्स आर लाइव फ्रॉम 2nd and 3rd में, जिसपे आपको 50-80% तक के बहुत ही अच्छे ऑफर 1000+ ब्रांड्स पे मिल जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है अपने जो भी आपकी विश लिस्ट है उसको परचेज करने का, ऑर्डर करने का अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स, तो चलो जल्दी से अपना हॉल स्टार्ट करते हैं। सो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है ये स्लिंग बैग, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा ब्लिंगी सा, आपने आई नो मेरे पास ऐसा कुछ देखा नहीं होगा, एक है मेरे पास जारा का जो मैंने भी कुछ टाइम पहले सिल्वर कलर का लिया था, बट ये थोड़ा ब्लैक में है जो कि बहुत ही अच्छा है, और इसमें इस तरह की चेन की स्लिंग भी है, तो आप इस तरह से स्लिंग बैग करके भी पहन सकते हैं, एंड इस तरह से लेदर की भी है तो आप इस तरह से भी वेयर कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं, और ये बहुत ही प्यारा सा है, तो फर्स्ट लिया है मैंने ये। इसके बाद मैंने यहाँ पर मायरा का बहुत ही क्यूट सा इस तरह का कॉटन का सेट लिया, इस तरह का किस तरह का बताती हूँ, जैसा अभी आपने ईद पे भी देखा मायरा को वेयर करते हो, और इससे पहले जब हम अमृतसर गए थे तब भी मैंने लिया था, कुछ वैसा ही है, मतलब काफी हद तक वैसा ही है, तो ये देखिए इस तरह से, इसको जयपुरी और राजस्थानी स्टाइल सूट कह सकते हैं, इसके साथ आता है बहुत ही प्यारा सा शरारा और गरारा जो भी कह सकते हैं, तो ये लिया है मैंने। सबसे अच्छी बात ये कि कॉटन का है, एंड ये मेरे को अकॉर्डिंग टू लाजपत नगर की शॉप ये मुझे काफी अच्छा पड़ा है, ये 800 कुछ का है अमेजोन से, और जो मैंने वहां से लाजपत नगर से दोनों बार लिया ईद पे भी और जब अमृतसर गए थे तब भी, तो वो एक मायरा का 1500 का था,
और ये मुझे 800 का मिला, मतलब लगा लो आप 1600 में ऑलमोस्ट मुझे 2 मिल रहे हैं इस तरह के। और इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं डेफिनेटली एक और परचेज करूंगी, तो दिखा दूंगी आपको डिजाइन या कुछ अलग मैं चेंज करती हूँ, अलग परचेज करती हूँ। तो सेकंड लिया है मैंने ये सूट मायरा का, पहने हुए देख सकते हो आप किसी भी अगले व्लॉग में मेरे ये। इसके बाद मैंने मायरा के लिए लिए हैं सनग्लासेस, इस तरह के सनग्लासेस उसके पास ऑलरेडी येलो में और पिंक और पर्पल में है, बट मैंने अभी ब्लू भी ले लिया बिकॉज ये बहुत ही अच्छे लगते हैं मायरा को, और पता नहीं भी उसमें कौन कौन से कलर लेने वाले, ट्रांसपेरेंट है। धूप में से मायरा स्कूल से आती है तो उसको कैप और सनग्लासेस हमेशा वेयर करवा के लाती हूँ मैं, कभी भूल जाती हूँ, अदरवाइज मैं ये वाला तो उसके बैग में ही डाल देती हूँ ताकि रोज वो लगाए, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट यहाँ पे दो बहुत ही क्यूट से इस तरह के क्लचर्स लिए हैं जो कि अगेन बहुत ही प्यारे, एक की इस तरह से छोटे पर्ल्स कट पर्ल्स हैं, ये पूरे गोल पर्ल्स नहीं है, आप देखोगे तो हाफ कट पर्ल्स हैं छोटे वाले, और इस तरह से लिया है। इसके बाद ये थोड़े बड़े वाले पर्ल्स, दोनों का पेयर था एक साथ, ठीक है। इसके बाद मैंने ये क्लचर लिए। इसके बाद मायरा ने अभी, जैसे कि आपको पता चला है व्लॉग में कि मायरा ने स्विमिंग स्टार्ट कर दी है सीखने, अभी तो मैंने ब्रेक पे डाल दिया उसे 10 दिन के लिए बिकॉज मौसम बहुत ठंडा हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई है, अदरवाइज वो 10 डेज के बाद से कंटिन्यू करेगी। तो मैंने मायरा के लिए मंगवाई है ये सनस्क्रीन जो कि है वाओ स्किन साइंस की, और नेक्स्ट ली है मैंने ये। इसके बाद मैंने, मेरे पास लेंस इतने सारे हो गए, आई लेंस केसेस हमेशा हर किसी के पास कम पड़ते होंगे जिनके पास बहुत सारी कलेक्शन होगी लेंस की, तो मेरे को बड़ी क्यूट से लेंस केस की बॉक्स दिखे, काफी सारे कलर्स इसमें अवेलेबल थे, कलर्स ऑप्शन का कोई वो नहीं था, ऑप्शन नहीं था कि आप कौन सा कलर, कोई भी कलर आपको आ सकता है। तो मुझे बहुत ही प्यारा सा पाउडर ब्लू कलर का केस आया है और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि इसमें अप्लाई करने के लिए भी इस तरह से एप्लीकेटर मिल रहा है और रिमूव करने के लिए भी इस तरह से एप्लीकेटर मिल रहा है, एंड यहाँ लेंस केस है। और साथ में पता है मेरे को इसके क्या मिला, ये इस तरह से ट्रेवल साइज की सॉल्यूशन की बॉटल, सो ये लिया है नेक्स्ट मैंने। इसके बाद मैंने मायरा के लिए इस बार मामा अर्थ का दूसरा शैम्पू ट्राई करा है जो कि है ये इस तरह का, और इससे 2-3 बार मायरा नहा लिया, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग शैम्पू है ये, बॉडी वॉश और शैम्पू जो भी आप कह सकते हैं, ये लिया है नेक्स्ट प्रोडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट मैंने लिया है अमेजोन से अपने लिए एक सूट, और मुझे काफी ज्यादा ढीला मतलब लूज आ गया है, देखते हैं या तो मैं इसको एक्सचेंज करूंगी या तो इसमें मैं कलर दूसरा ऑर्डर करूंगी बिकॉज में बहुत सारे कलर थे, शायद मैं पर्पल करूंगी। मैंने एक्चुअली ये सूट ना कनिका को पहने हुए देखा था, मायरा की जो ट्यूशन टीचर आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैंने इसमें ना ब्लैक कलर ऑर्डर कर लिया, बट कनिका के पास जो पर्पल है ना वो ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए इस तरह से प्लेन ब्लैक पैंट है, इसके साथ प्लेन ब्लैक शर्ट है, थोड़ा सा स्लीव्स पे और नेक पे थे कलरफुल फैब्रिक से यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है, बाकी पूरी शर्ट आगे पीछे से प्लेन है, बिल्कुल ही प्लेन है, और जो दुपट्टा है ना वो ही इसका सारा कमाल है। तो इस तरह से देखिए कलरफुल दुपट्टा है इस सूट का, एंड पूरा सीक्वेंस वर्क है पूरे दुपट्टे पे, काफी अच्छा स्टॉल साइज से भी बड़ा दुपट्टा है इसका, और यही मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। और मैं इसमें डेफिनेटली कलर पर्पल वाला ही ऑर्डर करूंगी, इसमें येलो कलर भी था बट मुझे पर्पल बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट एंड लास्ट लिया है मैंने अमेजोन से ये सूट, इन सबके प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही साथ एमएचएस स्टोर का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करके भी सारे प्रोडक्ट्स एक साथ देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट। सो चलो जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, इसको बेटा ऐसे करो, दीपू आओ और गाड़ी में बैठने बैठी ना, तो मैं ना इसको सनस्क्रीन लगा दिया, मैंने बैग में रख ली है। मायरा कह रही है हम पार्क ही जा रहे हैं, आज रोगे नहीं ना, सनग्लासेस रख लिए थे तुमने ना। कहती क्या, कहती हम कहाँ जा रहे हैं, तुमने कहा पार्क ही, कहती क्या ऐसे कपड़े पहन के क्या पार्क ही जाते हैं, पार्क ही क्या ये पहन के जाते हैं, ये तो स्विमिंग पहन के जाते हैं, डर रही है आज। दीपू आ गई, मायरा की कहानी चल रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, दीपू भी आया है, मैंने उनको बाहर बोला, मैंने कहा आप गाड़ी लगाओगे, हम लोग तो बच्चों के लिए जा रहे हैं, ये पकड़ना ये पकड़ना। दीपू के आने से पहले पहले बच्चे पानी में चले जाए, क्योंकि दीपू के सामने मायरा हो रहा है ना, दीपू कहेंगे छोड़ो नहीं करनी स्विमिंग, चलो घर, पापाओं से बर्दाश्त नहीं होता, वो स्पेशली बेटियों का रोना नहीं जा रही ना, दूर बैठे हैं, पर हमें देखेगी ना तो रोएगी, वो देखो लग जाए, हम दोनों दूर बैठे हैं, और अपना दीपू का भी मन कर रहा है कि यार मैं भी कर लेता हूँ,
कहाँ पे रहते हो? लाजपत नगर। लाजपत नगर से इतने दूर? क्या नाम है आपका? परी। तो मुझे परी मिली है यहाँ पे पैसिफिक कॉम्प्लेक्स में। और आप स्विमिंग सीख रहे हो? सीख ली? आ गई? कितने दिन हो गए? 3 days। मायरा का सेकेंड डे है। चलो बाय बाय बाय। चलो बाय बाय। तो इतना गंदा हुआ ना, जैसे ही मैं वॉशरूम में आई मायरा को चेंज करवाने के लिए, मैं कल ही ठीक हुई थी और मैं वहाँ पर भी, तब समझ लो मैं इतना मूड मेरा ख़राब हो गया था, मेरा मन ही नहीं करता ब्लॉग करने का। फिर मैंने कहा छोड़ो, ब्लॉग तो कंटिन्यू करना ही है। बस वैसे मैं भी अब मैं थोड़ी देर में एंड करने वाली हूँ, बस दीपू आ जाए, दीपू के साथ निकलना है मुझे। मायरा यहाँ चिप्स खा रही है और मुझे दीपू के साथ निकलना है। एक्चुअली मायरा के लिए थोड़े से पॉपकॉर्न एंड फ्रेंच फ्राइज लेकर आना है। कल मायरा के स्कूल में है मूवी डे, तो कल बच्चों को पॉपकॉर्न एंड फ्रेंच फ्राइज लेके जाना है, मूवी दिखाएंगे स्कूल में, और बस उसी के लिए थोड़ा सा बाहर निकलना है, बाकी फिर सो जाएंगे टाइम से। और मायरा तो स्विमिंग करके थकी ही नहीं, कल भी नहीं थकी, आज देखते हैं, सेकंड डे था, थोड़ा ज़्यादा करा है। मायरा कैसा रहा आज आपका स्विमिंग क्लास? कैसी रही? अच्छी रही। कितने टाइम में सीख जाओगे मायरा? कल अच्छे से करोगे? कैसे करूँगी करके दिखाओ सबको। वेरी गुड।